हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, विच इज़ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर को बेसिकली अपन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन मिनरल्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे एंड सेकंड पार्ट में अपन एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अच्छा, अपन ने देखा है कि अपन बहुत सारी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स यूज़ करते हैं जो कि मेटल्स से बनी हुई होती हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग उन सारी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेन्स, बसेस, आपकी छोटी सी पिन, सेफ्टी पिन, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के मेटल्स से बनी हुई है। तो ऑब्वियसली मेटल अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपन ने पढ़ रखा है कि अर्थ क्रस्ट जो है वो बहुत सारे मिनरल्स से बनी हुई है और वो जो सारे मिनरल्स हैं वो रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग को आपकी स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा जिसके अंदर आप लोग को ईजिली समझ आ जाएगा कि जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बारे में अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। अच्छा, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। इंडिस्पेंसिबल मतलब मिनरल्स अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। हर चीज़ जो अपन यूज़ करते हैं, एक पिन से लेकर बड़े टावर तक, बड़े से शिप तक, सब चीज़ें मिनरल्स से ही बनी हुई हैं। रेलवे लाइन्स और जो पेविंग ऑफ रोड है, रोड के ऊपर एक ब्लैक कलर का थिक सा मटेरियल लगता है रोड्स को लेवल करने के लिए, वो भी मिनरल्स से ही बना हुआ होता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन। एंड कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये सब मिनरल्स से ही मैन्युफैक्चर होते हैं। एंड बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एक टूथपेस्ट का एग्जांपल कि टूथपेस्ट में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स यूज़ होते हैं। ओके, अपन सबको पता है टूथपेस्ट अपनी टीथ को क्लीन करता है। तो सबसे पहले मिनरल्स लाइक आपकी बुक में लिखा हुआ है अब्रेसिव मिनरल्स। अब्रेसिव मतलब थोड़े रफ टाइप के मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फॉस्फेट मिनरल्स, ये सारे क्लीनिंग का काम करते हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फॉस्फेट मिनरल्स क्लीनिंग का काम करते हैं। फ्लोराइड जो है वो कैविटीज रिड्यूस करता है। ओके, अपन ने मैक्सिमम टूथपेस्ट देखे हैं जो कि वाइट कलर के होते हैं, तो उनका वाइट कलर टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से होता है। एंड कुछ कुछ टूथपेस्ट में स्पार्कल होता है तो वो मीका की वजह से होता है। ओके, अब टूथपेस्ट की सारी अपन ने बात कर ली। अब अगर अपन बात करें टूथब्रश की, तो टूथब्रश में जो प्लास्टिक होता है और जो पेट्रोल होता है वो भी एक मिनरल का ही फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अपन पढ़ेंगे कि सारे लिविंग बीइंग्स को किसी ना किसी फॉर्म में मिनरल तो चाहिए ही होता है। अपन लोग को पता है कि अपन को रहने के लिए बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्रीथिंग, इन सब लाइफ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, मिनरल्स इन लाइफ प्रोसेसेस को करवाने में बहुत हेल्प करता है। अपन मिनरल जो खाते हैं वो सिर्फ 0.3% मिनरल खाते हैं, बट ये 0.3 मिनरल जो अपन खाते हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इन मिनरल्स के बिना जो अपन बाकी चीज़ें खाते हैं, फैट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, उनका भी इफ़ेक्ट अपनी बॉडी पे नहीं पड़ सकता। तो सिर्फ अपन 0.3% मिनरल्स खाते हैं और वो भी इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, यू कैन इमेजिन, कि अगर वो अपन ना खाएं तो बाकी 99.7 फूड स्टफ जो अपन खा रहे हैं वो सब बर्बाद है, राइट? अच्छा, अब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ मिनरल्स। तो आप लोग की बुक में डेफिनेशन दी हुई है, मिनरल्स एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं। ओके, मिनरल्स आर होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनस? एक एक वर्ड का अपन मतलब समझेंगे। होमोजेनस मतलब एक ही टाइप का, राइट? आई थिंक आपने क्लास 9th की साइंस में ऐसा कुछ करके पढ़ा होगा होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस मतलब जिसके अंदर एक ही टाइप के मटेरियल प्रेजेंट हो, राइट? तो मिनरल एक होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जिसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डेफिनेबल होता है। डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि जो उसका इंटरनल अरेंजमेंट है एटम्स का वो बिल्कुल डेफिनेबल है, बिल्कुल प्रॉपर है, राइट?
अच्छा, मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में. फॉर एग्जांपल, हार्डेस्ट डायमंड भी प्रेजेंट होता है और सॉफ्टेस्ट अपन देखते हैं टैल्कम पाउडर भी एक मिनरल का फॉर्म ही है जो कि नेचर में प्रेजेंट होता है. अब अपन ने, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था, रॉक्स के बारे में पहले पढ़ा था. जो मिनरल्स होते हैं वो हमेशा रॉक्स से बने होते हैं. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक रॉक में एक ही मिनरल हो, एक रॉक में एक से ज़्यादा मिनरल भी हो सकता है. अलग अलग प्रपोर्शंस में मिला के एक से ज़्यादा मिनरल भी हो सकता है. तो आप लोग की बुक में एक लाइन लिखी हुई है, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. रॉक्स जो होते हैं वो मिनरल से ही बनते हैं. जैसे कि अपन बात करें, फर्स्ट एग्जांपल लाइमस्टोन. लाइमस्टोन एक रॉक है जिसके अंदर एक ही टाइप का मिनरल प्रेजेंट होता है, लेकिन हर रॉक में ऐसा नहीं होता. बहुत सारे रॉक्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग प्रपोर्शंस में. अभी तक 2000 मिनरल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं. अब अपन नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं. अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन फिजिकल कंडीशंस अंडर विच द मटीरियल फॉर्म्स. जब भी कोई मिनरल बनता है तो वो कुछ एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है. अब जब एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक उस टाइम पे टेम्परेचर कैसा है, उस टाइम पे हीट कितनी है, उस टाइम पे बारिश हो रही है या नहीं. तो इस हिसाब से अलग अलग मिनरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं कि कोई किसी का कलर क्या होता है, किसी की हार्डनेस क्या होती है, किसी का कैसी डेंसिटी होती है, किसी में शाइन होती है, किसी में नहीं होती है. एंड यस, तो अब अपन एक टेबल पढ़ने वाले हैं विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. सबसे पहले मिनरल्स तीन टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स. एनर्जी मिनरल्स सबसे छोटे हैं, उसके अंदर सिर्फ तीन एग्जांपल्स हैं विच इज़ कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस. अब सबसे पहले सबसे फर्स्ट बात करते हैं मेटालिक मिनरल्स की. मेटालिक मिनरल्स अगेन तीन टाइप के होते हैं, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स एंड प्रेशियस मिनरल्स. अच्छा, फेरस मतलब आप लोगों ने Fe सिंबल पढ़ा होगा आयरन का. तो फेरस मतलब जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, राइट. नॉन फेरस मतलब जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता है. एंड प्रेशियस मिनरल्स, जैसे कि नाम पता है अपन को, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब प्रेशियस चीज़ें होती है. तो एज द नेम सजेस्ट, उसके एग्जांपल्स अपन को पता चल गए. अब फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स के एग्जांपल्स आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाकी ये आगे भी आने वाले हैं. सेकंड अपन बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स की. नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर मीका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, ये सारे मिनरल्स आते हैं. तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि मिनरल्स किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. नंबर वन इज इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इनमें बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, उनके अंदर कुछ क्रैक्स हो जाते हैं, कुछ क्रिवेस हो जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिवेस? क्रिवेस मतलब उन रॉक्स में ओपनिंग हो जाती है, कुछ फॉल्ट्स हो जाते हैं. और उस चीज़ की वजह से जो मिनरल्स होते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मॉल्टन फॉर्म में होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, अर्थ सर्फेस से ऊपर आ जाते हैं. और जैसे जैसे वो ऊपर आ जाते हैं वो कूल होते जाते हैं और थोड़े थोड़े सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ऐसे टाइप के मिनरल्स इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं. उन रॉक्स में कुछ छेद हो जाते हैं या फिर कुछ क्रैक्स हो जाते हैं, जिनके थ्रू जो मिनरल्स हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर गैशियस फॉर्म में होते हैं, वो अपवर्ड फोर्स हो जाते हैं. और जैसे जैसे वो अपवर्ड आते हैं वो कूल और सॉलिडिफाई होते जाते हैं. स्मॉलर ऑकरेंसेस को अपन बोलते हैं वेन्स और लार्जर ऑकरेंसेस को अपन बोलते हैं लोड्स. कुछ एग्जांपल्स अगर अपन बात करें तो है कॉपर, जिंक एंड लेड. थ्री एग्जांपल्स अपन ने पढ़े इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के, विच इज कॉपर, जिंक एंड लेड. नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, अब वो फॉर्म कैसे होते हैं? जब बहुत सारे टाइम तक डिपोजिशन हो जाता है एक डेड मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, उन सब का बहुत सारे टाइम तक डिपोजिशन हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है एक ही जगह पे, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में. हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा मतलब, जैसे कि मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया, बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल लेयर्स की फॉर्म में जब उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है तब वो फॉर्म होते हैं.
कोल इसका एग्जाम्पल है। कोल में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक प्लांट्स जब मर जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, वो एक हॉरिजॉन्टल लेयर में अर्थ के नीचे बैठे रहते हैं एंड उसके बाद कोल फॉर्म होता है। तो कोल जो है वो इस तरीके से फॉर्म होता है हीट एंड प्रेशर की कंडीशंस में। एंड अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट इज जिप्सम, सेकेंड इज पोटैश सॉल्ट एंड थर्ड इज सोडियम सॉल्ट। ये तीन अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल्स हैं जो कि इवेपोरेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। अच्छा, अब इवेपोरेशन की वजह से फॉर्म होते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि जिप्सम, पोटैश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट जो होते हैं उसके अंदर भी यही होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पूरा ज़मीन पर इकट्ठा हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसके अंदर से जो एक्सेस वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है धीरे धीरे। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है, एरिड रीजन में। एरिड रीजन्स मतलब जो जो रीजन्स ड्राई हैं, जहां पर बहुत हीट है, ऑब्वियसली इवेपोरेशन तो उधर ही होगा। थर्ड अगर अपन बात करें तो डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैं आप लोग को सबसे पहले कोई अलग लैंग्वेज में सिखाऊंगी, प्लीज लिसन केयरफुली। जब अपन रॉक्स को वॉश करते हैं वॉटर से, ओके मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जब अपन रॉक्स को वॉश करते हैं वाटर से तो ऐसी चीज़ें जो कि वाटर में सॉल्यूबल हैं वो वाटर के साथ हट जाती हैं। आप लोग इमेजिन कीजिए कि जब मैं किसी रॉक को वॉश कर रही हूँ वाटर से और जो चीज़ें उस वाटर में सॉल्यूबल है वो वाटर के साथ हट गई, ठीक है, और एक रेजिडुअल मास बच गया, मतलब जो एक चीज़ बच गई, ठीक है, एंड जो चीज़ बच गई रॉक में उसको अपन बोलते हैं मिनरल। तो इस चीज़ को समझने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, विच इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ सर्फेस रॉक्स। इसका मतलब यही हुआ कि रॉक्स के ऊपर अपन पानी डालते हैं एंड रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड जो भी उस पानी में चीज़ें सॉल्यूबल होती है वो उस पानी के साथ निकल जाती हैं एंड एक रेजिडुअल मास बच जाता है जिसके अंदर ओर प्रेजेंट होता है। बॉक्साइट इसी तरीके से फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट इज एल्यूवियल डिपॉजिट, सॉरी एल्यूवियल डिपॉजिट। अच्छा, अब इनमें क्या होता है, ये बेसिकली दो जगह अपन फाइंड कर सकते हैं। नंबर वन इज सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड नंबर टू इज बेस ऑफ हिल्स, ठीक है। अब इनमें होता क्या है कि पहले वाले में तो रॉक्स वाला था एंड रॉक्स वाले और इस वाले में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। इनमें क्या होता है कि बड़े बड़े हिल्स से जो पानी है वो जाता है और बड़े बड़े हिल्स से पानी मिनरल अपने साथ लेके जाता है। पीछे रॉक्स वाले में क्या हो रहा था कि इम्प्योरिटीज़ अपने साथ लेके जा रहा था पानी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पानी है वो अपने साथ पूरा का पूरा मिनरल ही लेके जा रहा है और वो जो पानी है उस मिनरल को बेस ऑफ हिल्स में रख देता है एंड इसलिए अपन लोग उसको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट। ओके, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल बेस ऑफ हिल्स का क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है पानी हिल्स से जाता है एंड हिल्स के नीचे जाके जो मिनरल्स हैं उनको सेटल कर देता है एंड दैट इज़ वाई अपन इनको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। तो प्लेसर डिपॉजिट्स दो जगह फाउंड होते हैं, फर्स्ट इज़ बेस ऑफ हिल्स एंड सेकेंड इज़ सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स। अच्छा, इसके एग्जाम्पल जो हैं वो हैं गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लैटिनम। ओके, जो प्रेशियस मिनरल्स हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज ओशन वाटर्स। जैसे कि अपन लोग को पता है ओशन वाटर्स में बहुत सारे टाइप के मिनरल्स फाउंड होते हैं, बट इतने सारे मिनरल्स कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस के नहीं है, तो अपन लिमिटेड मिनरल्स ही ओशन में से निकालते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट, सेकेंड इज मैग्नीशियम एंड थर्ड इज ब्रोमीन। ओके, अब एक और लाइन दी हुई है कि जो ओशन बेड्स होते हैं, ओशन बेड्स मतलब जो ओशन के नीचे वाला पार्ट होता है वो मैंगनीज नोड्यूल्स में रिच होता है। अब मैंगनीज नोड्यूल्स मतलब मैंगनीज के छोटे छोटे पेबल्स में बहुत रिच। ओके, तो इंडिया जो है वो फॉर्चुनेट है क्योंकि उसके पास इतने सारे टाइप्स के मिनरल रिसोर्सेज हैं। एक तो इंडिया सबसे पहले रिच है मिनरल रिसोर्सेज में और सेकेंडली उसके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है मिनरल रिसोर्सेज की। तो बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ब्रॉडली अगर अपन बात करें तो पेनिनसुलर रॉक्स जो होते हैं, पेनिनसुलर रॉक्स मतलब ऐसे रॉक्स जो कि पेनिनसुला पे प्रेजेंट हो। अब पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला एक ऐसा रीजन होता है जो कि हर साइड से वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। तो पेनिनसुला पे जो रॉक्स होते हैं उसके अंदर
जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मिनरल्स तो रॉक्स में ही प्रेजेंट होते हैं, तो पेनिनसुलर रॉक्स के अंदर कोल, मेटालिक मिनरल्स, मीका और नॉन मेटालिक मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड के पेनिनसुला पे, गुजरात और असम में, उनके अंदर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, राजस्थान जो है उसके अंदर एक रॉक सिस्टम है पेनिनसुला का, जहाँ पर नॉन फेरस मिनरल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि राजस्थान में हीट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए नॉन फेरस मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर आयरन नहीं है, वो राजस्थान के रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला में ज़्यादा हैं। ओके, वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स, एल्यूवियल प्लेन्स मतलब, प्लेन्स मतलब एक ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल फ्लैट हो। ओके, बहुत अगर अपन प्लेन्स में दूर दूर तक जाएं तभी वो फ्लैट ही फ्लैट हो, तो प्लेन्स मतलब ये होता है। तो एल्यूवियल प्लेन्स जो होते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में मतलब ऊपर वाले साइड प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक मिनरल्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। इट इज़ डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, डिवॉइड मतलब वहाँ पर इकोनॉमिक मिनरल्स ज़्यादा नहीं होते हैं। अब ये सारे जो वेरिएशंस होते हैं, ये बहुत अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हैं, किसी जगह पे क्या है तो किसी जगह पे क्या नहीं है, तो ये बेसिकली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, टेम्परेचर और इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, अब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं मेजर मिनरल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स को अपन ओर कहते हैं, और मैं आप लोग को ये पहले ही बता चुकी हूँ कि जितना इजीली एक मिनरल ओर से निकल पाए उतना अपने लिए अच्छा है, और उतना अपना कम कॉस्ट लगता है उस मिनरल को निकालने में। ओके, तो कभी भी अपन अगर एक ओर में से मिनरल को निकालते हैं तो अपन लोग को बहुत सारी चॉइसेस, डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि क्या ये चीज़ सही रहेगी, क्या ये चीज़ इकोनॉमिकली सही रहेगी, क्या इस चीज़ में ज़्यादा पैसे तो नहीं लगेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें होती है, जब मिनरल डिपॉजिट एक एक ऐसे एरिया में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ से मिनरल्स निकाले भी जा रहे हैं, तो अपन उसको बोलते हैं माइन। ओके, सबसे पहले फेरस मिनरल्स टोटल 3/4 मेटालिक मिनरल्स में से आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले क्लासिफिकेशन में बताया था कि मेटालिक मिनरल्स में फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस मिनरल्स होते हैं, तो फेरस मिनरल्स टोटल 3/4 मेटालिक मिनरल्स में से आते हैं, और फेरस मिनरल्स की वजह से बहुत सारी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट मिलता है। एंड सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं आयरन ओर। ओके, आयरन ओर एक बेसिक मिनरल होता है और एक बैकबोन होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, क्योंकि हर इंडस्ट्री को आयरन की ज़रूरत तो होती ही है। इंडिया के पास बहुत सारे आयरन ओर के रिसोर्सेज हैं और इंडिया के पास बहुत अच्छे अमाउंट में आयरन ओर्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक सबसे टॉप क्वालिटी का, सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है, जिसके अंदर अराउंड 70% ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है। जैसे कि नाम है मैग्नेटाइट, तो उसकी मैग्नेटिक क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, और इसलिए ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है, एंड मैग्नेटिक कंपसेस ये सब बनाने में भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। सेकेंड इज़ हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नेटाइट ओर क्योंकि इतना फाइनेस्ट क्वालिटी का है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, वो छोटे से अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बट जो हेमेटाइट ओर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट उसका जो आयरन कॉन्टेंट है वो 50-60% ही होता है। अच्छा, तो अब अपन कुछ 4 मेजर आयरन बेल्ट्स की बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 बेल्ट इज़ ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट में बहुत अच्छे क्वालिटी का हेमेटाइट ओर मिलता है बादाम पहाड़ माइंस में। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ओडिशा झारखंड बेल्ट में बहुत अच्छे क्वालिटी का हेमेटाइट मिलता है बादाम पहाड़ माइंस में। ओके, अगर आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, सबसे पहला पॉइंट है ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा के अंदर बहुत अच्छे क्वालिटी का हेमेटाइट ओर मिलता है बादाम पहाड़ माइंस में। ओके, अब उसके पास ही है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है, एंड वहाँ पर भी हेमेटाइट के बहुत सारी ओर्स प्रेजेंट है जो कि गुआ में है, GUA।
ओके गोवा एक जगह है झारखंड में जहाँ पर बहुत सारे अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट ओर प्रेजेंट होता है। नंबर टू इज दुर्ग बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट। ये बेल्ट छत्तीसगढ़ में लाए करती है, बहुत अच्छे क्वालिटी का हेमेटाइट ओर इधर मिलता है और इस रेंज में 14 डिपॉजिट हैं हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर के। एंड इस ग्रेड में ऐसा हेमेटाइट ओर मिलता है कि जिससे स्टील बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो सकती है और इसी वजह से यहाँ की जो आयरन होती है वो अलग दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट की जाती है, लाइक जापान, साउथ कोरिया एंड बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब इसके अंदर दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट के अंदर आप लोग को एक ही चीज़ याद रखनी है, एक ही जगह का नाम याद रखना है कि यहाँ पर बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स के अंदर सबसे अच्छे हेमेटाइट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को इसमें ये याद रखना है कि ये एक अकेली ऐसी बेल्ट है जो कि बाहर के देशों में भी आयरन ट्रांसपोर्ट करती है एंड ये छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। एंड जो मेन पार्ट का नाम ध्यान रखना है विच इज़ बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स, ठीक है, जहाँ पर मेन हेमेटाइट ओर प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो हेमेटाइट ओर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो स्टील मेकिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके नेक्स्ट तो द नेम इज़ ओनली वेरी कन्फ्यूजिंग बट इट्स वेरी वेरी ईजी, सो आप लोग को इसको ऐसे याद रखना है, लास्ट के दो नाम आप लोग को एज इट इज़ याद रखने हैं बट स्टार्टिंग के दो नाम आप लोग को यू नो एज अ ट्रिक याद रखने हैं जो कि मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करी है, विच इज़ बलारी। तो यू विल इमेजिन कि एक दुर्गा का चित्र पड़ा है एंड उसके ऊपर अपन बॉल फेंक रहे हैं, तो इस तरीके से अपन रिमेंबर करेंगे बलारी एंड चित्र दुर्गा। ओके अगेन रिपीटिंग, बलारी एंड चित्र दुर्गा। ओके एंड जो लास्ट के दो नाम हैं वो तो हैं ही बहुत इजी अकॉर्डिंग टू मी, एक बार आप प्रोनाउंस करके देख लेंगे आप लोग को बहुत इजी लगेंगे, दैट इज़ चिक्का मागलुरु एंड तुमकुरु। I'm repeating again, चिक्का मागलुरु एंड तुमाकुरु। एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग सीरियसली अब थर्ड टाइम आप लोग मेरे साथ रिपीट करने वाले हैं, अपन ने सबसे पहले क्या किया, दुर्गा के चित्र पे बॉल फेंकी, तो अपन लोग उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बलारी चित्र दुर्गा एंड देन चिक्का मागलुरु एंड तुमाकुरु। ये बेल्ट जो है कर्नाटका में प्रेजेंट है और उसके अंदर बहुत सारे आयरन ओर के रिजर्व्स हैं। सबसे पहली जो माइन है वो है कुदेरमुख जो कि वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट है एंड 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। एक्सपोर्ट यूनिट मतलब अलग अलग रीजन्स पे ये आयरन भेजती है। कुदेरमुख जो डिपॉजिट हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट माने जाते हैं। ओके नेक्स्ट एक बहुत छोटी सी बेल्ट है विच इज़ महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जो कि ऑब्वियसली गोवा में प्रेजेंट है एंड महाराष्ट्र में एक जगह है रत्नागिरी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं या सुना तो होगा ही रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है, ये इन जगहों पे इंक्लूडेड हैं। एंड इनके जो ओर्स हैं ये इतने हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं बट हाँ लाइक काम चलाओ टाइप्स के ओर होते हैं, तो आई होप थोड़ा बहुत लर्न हुआ होगा। ऑब्वियसली एवरी स्टूडेंट हैज़ टू वॉच दिस वीडियो टू टाइम्स ताकि आप लोग को फर्स्ट टाइम पे एज स्टोरी समझना है एंड सेकेंड टाइम पे उसको याद करने की कोशिश करनी है। ओके नेक्स्ट थिंग इज़ मैंगनीज। मैंगनीज जो होता है दैट इज़ मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय। अलॉय मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत सारे सब्सटेंस के मिक्सचर से बना हुआ होता है, बहुत सारे मेटल्स के मिनरल्स के मिक्सचर से बना होता है। ओके 10 kg ऑफ मैंगनीज रिक्वायर होता है एक टन ऑफ स्टील बनाने के लिए और मैंगनीज ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने में भी बहुत यूज़फुल होता है। अब मैंगनीज का आप लोग को एक पिक्चर दिख रही होगी, मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जो रीजन्स के नाम है वो ऐसी पिक्चर्स से ही याद करें। तो सबसे पहले ऑब्वियसली परसेंटेजेस याद नहीं करनी है, तो आप लोग को एक वर्ड याद रखना है मैंगनीज के लिए, एम से मैंगनीज होता है एंड एम से आप लोग को याद रखना है मोको, MOKO। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, के से कर्नाटका एंड ओ से अदर्स। तो मोको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, अदर्स। तो दिस इज़ द ट्रिक फॉर लर्निंग मैंगनीज। उड़ीसा जो है उनमें से सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का और 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन के लिए उसने अकाउंट करा है। ओके नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। इंडिया जो है उसके अंदर नॉन फेरस मिनरल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं बट कुछ तो हैं, तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर में तो दो ही पढ़ने वाले हैं विच इज़ कॉपर एंड बॉक्साइट। तो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले कॉपर। इंडिया के अंदर कॉपर के इतने ज़्यादा रिजर्व्स नहीं हैं और इसलिए इंडिया क्रिटिकली डेफिशिएंट है कॉपर में। ओके, तो कॉपर की क्वालिटीज़ क्या होती है? कॉपर मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब बहुत जल्दी वो अपना शेप चेंज करके किसी भी शेप में आ सकता है। डक्टाइल होता है, डक्टाइल मतलब उसकी वायर्स बनाई जा सकती हैं। गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और कॉपर जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्रीज़, इन जगह यूज़ होता है। एंड दो एग्जाम्पल्स आप लोग को कॉपर के याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ बालाघाट माइंस जो कि मध्य प्रदेश में है। सेकंड इज़ खेतरी माइंस जो कि राजस्थान में है। रिपीटिंग अगेन, बालाघाट माइंस विच इज़ इन मध्य प्रदेश एंड खेतरी माइंस विच इज़ इन राजस्थान। नेक्स्ट इज़ बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कम्बाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड मेलिएबिलिटी। एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो आयरन के साथ कंबाइन करता है तो उसको गुड मेलिएबिलिटी एंड गुड कंडक्टिविटी देता है। इंडिया के जो बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हैं वो बेसिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अब अपन वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने पिछला उड़ीसा का कहाँ पढ़ा था, मैंगनीज में, कि उड़ीसा जो है वो मैंगनीज में बहुत ज़्यादा रिच है। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा बॉक्साइट में भी बहुत ज़्यादा रिच है। ओके, तो उड़ीसा एक कॉमन एग्जांपल है बॉक्साइट का और मैंगनीज का। अगर अपन और एग्जांपल की बात करें बॉक्साइट की, तो इट इज़ अमरकंटक प्लेट्यू। अच्छा, अब व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट्यू? बहुत सारे लोगों को प्लेट्यू का मतलब नहीं पता होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन। प्लेट्यू एक ऐसा रीजन होता है जो कि अर्थ से थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा हाइट पे होता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन। तो अमरकंटक प्लेट्यू पे बेसिकली बॉक्साइट प्रेजेंट होता है। एंड येस, आई थिंक आप लोग को दो ही एग्जाम्पल्स याद रखने चाहिए हर चीज़ के। आप लोग और एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी टू आर कंपल्सरी। तो अमरकंटक प्लेट्यू एंड उड़ीसा आर कंपल्सरी। बाकी इट्स अपॉन यू कि आप लोग कितने एग्जाम्पल्स और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, विच इज़ मीका। अच्छा, मीका कैसा होता है? मीका बिल्कुल प्लेट्स की फॉर्म में होता है या फिर लीव्स की फॉर्म में होता है। मतलब कि वो बहुत थिन शीट्स में अपन उस मीका को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, वो बहुत सारे कलर्स में आता है, क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, बहुत सारे कलर्स में आता है। अच्छा, अब उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? ये एक फिजिक्स का टर्म है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, बट ऑब्वियसली अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे। आप लोग को ये समझना है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी वो उतना अच्छा इंसुलेटर होगा। तो मीका बहुत अच्छा इंसुलेटर है। उसका लो पावर लॉस फैक्टर है, पावर को लॉस कभी नहीं होने देता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज है। कभी भी हाई वोल्टेज उसके थ्रू जाए तो वो अलाउ नहीं करेगा। एंड मीका एक बहुत इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स है। इंडिस्पेंसिबल मिनरल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। मीका के डिपॉजिट जो हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन में पाए जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप लोग को मीका का ये याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग को ये याद रखना है अजमेर का, जो कि है राजस्थान में। ओके, तो दो एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताए मीका के विच आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सेकेंड इज़ अजमेर विच इज़ इन राजस्थान। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ निलोर मीका बेल्ट विच इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लेट्स स्टार्ट विथ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है वो बहुत सारे अलग अलग रॉक्स के साथ एसोसिएशन में फाउंड होता है, और ऐसे रॉक्स के साथ फाउंड होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स से बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट्स मतलब CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब MgCO3। ओके, तो ये इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स में फाउंड होता है। एंड लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। एंड सेकंड इज स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में भी यूज़ होता है। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन को उसकी ओर से निकालने का प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो दो जगह बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। अब इधर भी अगेन एक फ्लोचार्ट टाइप का एक सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आप लोग को लाइमस्टोन का, तो आप लोग याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका,
अदर्स तो याद गोना बी स्टार्टिंग विद हजार्ड्स ऑफ माइनिंग. सबसे पहला हजार्ड, हजार्ड मतलब किसी चीज़ के बुरे इफेक्ट्स. तो सबसे पहला हजार्ड है माइनिंग का. अच्छा, व्हाट इज़ माइनिंग, मैं वापस से डिक्टेट कर देती हूँ. एक ओर से उसके मिनरल्स निकालने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं माइनिंग. तो सबसे पहला बुरा इफेक्ट माइनिंग का ये है कि जो डस्ट निकलती है और जो नॉक्सियस फ्यूम्स निकलते हैं, नॉक्सियस मतलब जो हार्मफुल फ्यूम्स निकलते हैं माइनिंग के टाइम पे, उससे बहुत सारे माइनर्स को पल्मोनरी डिजीजेज हो जाती है. पल्मोनरी डिजीजेज मतलब लंग से रिलेटेड डिजीजेज. तो इधर वर्ड लिखा हुआ है मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीजेज, मतलब कि वो यू नो उनको ऑफन वल्नर पल्मोनरी डिजीजेज हो जाती है और वो उससे हैबिचुअल हो जाते हैं. राइट, नेक्स्ट थिंग, द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, माइन की जो छतें हैं उनके टूटने का बहुत रिस्क होता है. इंडेंटेशन एंड फायर्स, इंडेंटेशन का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा अमाउंट में फायर्स हो जाती है कोल माइंस में, एंड एक कांस्टेंट थ्रेट रहता है माइनर्स को. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उस रीजन में वो कंटैमिनेट हो जाते हैं माइनिंग की वजह से. कंटैमिनेट मतलब मिक्स हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्ट उनके अंदर थ्रो किया जाता है. डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी, स्लरी एक लिक्विड टाइप का वेस्ट होता है, लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज इन स्टीम एंड रिवर पॉल्यूशन. अच्छा, तो ये कुछ अपन ने हजार्ड्स पढ़े माइनिंग के. नेक्स्ट अपन एक लाइन पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रिक्टर और सेफ्टी रूल्स बनाने चाहिए ताकि जो माइनर्स हैं वो इजीली मिनरल्स को निकाल पाएँ ओर्स में से, और माइनिंग की जो इंडस्ट्री है वो एक किलर इंडस्ट्री ना बने, मतलब कि लोग ज़्यादा ना मरे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. जैसे कि आप लोग को पता है अपन मिनरल्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं और मिनरल्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने के लिए. ओके, तो जो प्रोसेस है मिनरल्स के बनने का वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, और अपन उसको यूज़ बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया मिनरल्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो. ओके, तो अपन उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं और मिनरल के जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट है. फाइनाइट मतलब लिमिटेड. एक वर्ड होता है इनफाइनाइट, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और एक वर्ड होता है फाइनाइट जो कि इनफाइनाइट का ऑपोजिट होता है, जिसका मतलब होता है लिमिटेड. तो मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वो नॉन रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ओके, जो रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं अपनी कंट्री में वो बहुत वैल्यूएबल हैं, बट वो शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस हैं. पोजेशंस मतलब कोई बहुत ही कीमती चीज़. ओके, बट वो शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस हैं क्योंकि अपन उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, अपन उसको कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. अच्छा, अब अगर अपन उसको कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो कॉस्ट है माइनिंग की वो भी बढ़ती जा रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन ऊपर ऊपर से तो फटाफट मिनरल्स निकालते जा रहे हैं, अब बाकी मिनरल्स निकालने के लिए अपन को और नीचे खोदना पड़ेगा, अर्थ के और नीचे खोदना पड़ेगा. तो उसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा चाहिए होंगे. इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा चाहिए होंगे तो कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है माइनिंग की और मिनरल एक्सट्रैक्शन की. अच्छा, तो अब एक एफर्ट किया जा रहा है कि ताकि मिनरल रिसोर्स एक प्लान्ड मैनर में यूज़ हो पाएँ और एक सस्टेनेबल मैनर में यूज़ हो पाएँ. सस्टेनेबल मैनर मतलब एक ऐसे मैनर में कि ताकि अपन भी उनको यूज़ कर सकें और आने वाली जनरेशन भी उनको यूज़ कर सकें. टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव की जा रही है ताकि लो ग्रेड ओर्स को अपन कम कॉस्ट में निकाल पाएँ. रिसाइकलिंग हो रही है मेटल्स की और स्क्रैप मेटल्स की. स्क्रैप मेटल्स मतलब जो कचरे में लोग मेटल्स डाल देते हैं, उनसे नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं ताकि मिनरल रिसोर्सेज प्रिजर्व हो सके. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस पार्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. एंड कोई भी अगर मुझसे मिस्टेक हो गई हो बीच में, या फिर कोई भी मिसप्रोनाउंसिएशन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, सॉरी फॉर दैट. एंड सेकेंड पार्ट में अपन एनर्जी वाले पार्ट से चालू करेंगे. प्लीज़ एक बार NCERT सब बच्चे रीड कर लेंगे. एंड फाइनली बाय. चीज़ों की